चलिए स्टार्ट किया जाए। एक बार सभी लोग कंफर्म करें मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर। हाँ ऑडिबल और नॉट? ऑडिबल, ओके परफेक्ट। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी। माय नेम इज मनु सिंह चौहान। हम लोग पढ़ रहे हैं ईडीसी। तो जो पार्ट आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का, वो तो हम पूरा कंप्लीट करेंगे। इसमें जो पार्ट मैंने कल आपसे डिस्कस किया था जो प्रैक्टिकल की में है, उसको भी आप लोग आके अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। एक बार सभी लोग जल्दी सेशन को ज्वाइन करो, लाइक करो, शेयर करो, और इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी आप लोगों के डाउट्स रह गए हैं या फिर आपके कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप आके क्लास में से पूछ सकते हैं। कल मैंने आपको क्या बताया था कि ये हमारे पास इसका वेटेज है गेट का और ESC का। रेफरेंस बुक्स अगर आप पढ़ना चाहें, अगर आप कॉलेज में हैं बहुत टाइम है तो पढ़िए, ये मैंने आपको बुक्स की सारी लिस्ट दी थी कल, ठीक है। बट अभी आपके पास 3-4 महीने रह गए हैं और आप रेफरेंस बुक के लिए सोच रहे हैं, मत करिए, ठीक है। आप क्या करिए, सबसे सिंपल तरीका है, आप शॉर्ट नोट्स आपके पास हों या फिर आपने कहीं से पूरा फुल लेंथ कोर्स पढ़ा हो उसको रिवाइज करिए। सभी लोग एक बार सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सो दैट जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा ईडीसी, जो गिव अप करके जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, एटलीस्ट उनका कंप्लीट हो पाए, ठीक है। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो ऋतिका, हेलो शिव कुमार मूर्ति, हेलो गाइस। स्टार्ट किया जाए फिर। तो कल हमने क्या क्या डिस्कस किया था, कल बस थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ था जहाँ पे हमने बात की थी, इसके बारे में बात की थी, हम लोगों ने बात की थी कि कैसे आप किसी भी कल हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल ऑफ ईडीसी। फंडामेंटल ऑफ ईडीसी हमने क्या वहाँ पे क्या क्या पॉइंट देखे थे, हमने देखा था किसी भी मटेरियल को अगर आपको क्लासीफाई करना है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप। तो देखिए यहाँ पे एक बार सभी लोग कन्फर्म करें मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही सभी को, ऑडियो वीडियो ओके, जल्दी बताओ क्विकली। ओके चलो, ऑल गुड, वेरी गुड। तो देखिए अगर आपको किसी भी मटेरियल को क्लासिफाई करना है तो पहले हम लोग क्या पढ़ते थे कि आप उसकी कंडक्टिविटी चेक कर लो, आप उसकी रेजिस्टिविटी चेक कर लो, उस बेसिस पे हम लोग बताते थे इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर। बट अभी क्या है, अभी हम लोग इनको क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप। बैंड गैप मैंने क्या आपको बताया कि आपके पास जब बैंड मॉडल हम बनाएंगे, दो तरह के मॉडल हैं किसी भी मटेरियल को दिखाने के लिए, हमारे पास टू टाइप के मॉडल हैं। एक मॉडल हमारे पास है बैंड मॉडल और दूसरा मॉडल हमारे पास है बॉन्ड मॉडल, ठीक है। तो कल मैंने बैंड मॉडल से आपको बताया था कि जो ऊपर के आपके पास एनर्जी लेवल हैं टॉप पे हैं उनको हमने क्या नाम दिया था, कंडक्शन बैंड। जो लोअर पे एनर्जी लेवल है उनको नाम क्या दिया था हमने, बैलेंस बैंड। बहुत ही सिंपल सी नॉर्मल सी लैंग्वेज हम लोग समझेंगे इसको, बाद में इसको हम लोग आराम से धीरे धीरे मतलब काफ़ी डिटेल में जाके बात करेंगे क्या क्या होता है बैंड, ठीक है। तो कंडक्शन बैंड जो आपके पास टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल है वो हमारे कंडक्शन बैंड हो गए, और जो हमारे पास लोअर एनर्जी लेवल है उनको अपने नाम देते हैं बैलेंस बैंड। उनके बीच का जो गैप है जहाँ पर कोई भी एनर्जी स्टेट लाई नहीं कर रहा है, वहाँ पर जाके इलेक्ट्रॉन डिसाइड कर पाए, उसको हमने बोल दिया बैंड गैप, ठीक है। तो द बैंड गैप फॉर डबल ई ब्रांच, थोड़ा सा सिलेक्टिव पार्ट आपको राहुल देखना पड़ेगा, कल मैंने ये सब पूरा डिटेल में बताया, कल का लेक्चर आप एक बार देख लेना। तो मैंने उसे बताया कि आपके में क्या क्या पार्ट आ सकता है, ठीक है, एक बार आपको उसको देखना पड़ेगा। ये दोबारा फिर से रिपीट करेंगे कल का लेक्चर तो आज का टाइम खराब होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमने बात की कि अगर आपके पास आपको बताना है बैंड गैप के बेसिस पे क्लासीफाई करना है किसी मटेरियल को, तो अगर आपके पास बैंड गैप बहुत ज़्यादा है लाइक मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसको आप बोलोगे कि वो हमारे पास मटेरियल कैसा हो गया, इंसुलेटर। अगर आपके पास सेमीकंडक्टर है तो मटेरियल में आपके पास जो बैंड गैप होगा वो नियर बाय 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, लाइक 0.72, 1.02, इस तरह से होगा, ठीक है। वहीं कंडक्टर की बात करें तो वो ऑलमोस्ट जीरो होगा, हो सकता है कि टेम्परेचर आने पर वो ओवरलैप भी हो जाए। ये सारी डिस्कस किया हमने। फिर हमने क्या डिस्कस किया, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए आपके पास एट रूम टेम्परेचर बैंड गैप क्या होता है। जर्मेनियम बहुत पॉपुलर है और सिलिकॉन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और गैलियम आर्सेनाइड भी बहुत ही पॉपुलर है,
जर्मेनियम के लिए होता है 0.72, ठीक है, याद हो गया होगा कि सिलिकॉन के लिए होता है 1.12 एट रूम टेम्परेचर, ये सब कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं एट रूम टेम्परेचर। गैलियम आर्सेनाइड 1.4, इस पे क्वेश्चन आया था इससे मैंने इसको डेटा को यहाँ पे लिखवा दिया ताकि आपको याद रहे, है ना। बाकी मैंने डिफरेंट डिफरेंट लिखवाया आपको मटेरियल के लिए। लास्ट में मैंने लिखवाया आपको डायमंड, डायमंड क्या है, डायमंड आपके पास इंसुलेटर है तो आप देख सकते हैं वहाँ पर क्या है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बताया मैंने अभी आपको, अगर मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है समझ जाइए आपके पास मटेरियल की प्रॉपर्टी कैसी है, एज अ इंसुलेटर आपका मटेरियल बिहेव कर रहा है। डायमंड क्या होता है हमारा, इंसुलेटर, करेक्ट है। तो जो लोग भी सेशन को पढ़ रहे हैं एक बार प्लीज सेशन को लाइक करें, शेयर करें, है ना, सो दैट इसकी रीच बढ़े, जो बच्चे भी EDC नहीं पढ़े हैं उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंच पाए और वो आके सेशन को ज्वाइन कर पाए। देखिए डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर आपके पास EG कैसे वेरी कर रहा था, लाइक दिस, टेम्परेचर के साथ में बैंड गैप जो था वो कैसा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो आपका बैंड गैप है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर 0 केल्विन पर जर्मेनियम के लिए था 0.785 और आपने टेम्परेचर किया 0 से 300 तो वो क्या हो गया, 0.72, मतलब रिड्यूस हो गया। सिलिकॉन के लिए था 1.21, आपने टेम्परेचर बढ़ाया एट 300 केल्विन, वो क्या बन गया, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये गेट का क्वेश्चन है और 2 टाइम्स 2003 एंड 2005 दो बार पूछा ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि बैंड गैप को हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी बैंड। क्यों बोल रहे हैं फॉरवर्ड एनर्जी बैंड, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एनर्जी लेवल लाई नहीं, यहाँ पर कोई भी एनर्जी लेवल नहीं होगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाकर आपका रिसाइड कर पाए, तो यहाँ पर कोई भी एनर्जी लेवल नहीं है इसलिए हम इसको बोल रहे हैं फॉरवर्ड एनर्जी बैंड। आफ्टर दैट हमने फॉर्मूला बताया था आपको सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के लिए कैसे हमने कैलकुलेट किया। अब उसके आगे हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हाट, थर्मल वोल्टेज। देखिए थर्मल वोल्टेज एक बहुत छोटा सा आपके पास यहाँ पे एक पैरामीटर है और इसकी रिक्वायरमेंट आपको जगह जगह पड़ेगी पूरे, तो ये जहाँ भी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे ना हर जगह कहीं ना कहीं आपको थर्मल वोल्टेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो अभी हम लोग इसको अच्छे से क्लियर से मतलब बढ़िया समझ लेते हैं, करना क्या है, वैल्यू रखनी कैसी है, रूम टेम्परेचर पर क्या रखना है, अगर रूम टेम्परेचर नहीं है तो उसको आप कैसे प्लग करेंगे उसको अभी समझ लेते हैं, ठीक है। तो थर्मल वोल्टेज इसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट इक्विवेलेंट, वोल्ट इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। क्यों बोल रहे हैं हम उसको वोल्ट इक्विवेलेंट टेम्परेचर, समझते हैं। देखिए इसका जो फॉर्मूला है थर्मो वोल्टेज का वो क्या होता है, ए बार टी आई क्यू, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला। अगर ये वोल्टेज है तो यूनिट क्या होनी पड़ेगी उसकी, यूनिट होगी वोल्ट्स, करेक्ट है। ये आपके पास फॉर्मूला है VT का, जो न्यू लर्नर है वो समझ लें इस चीज को बहुत अच्छे से। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपके लोगों के लिए, के बार है क्या, के बार बोलो के बोलो, एक्चुअल में है क्या, ये होता है बोल्ट्ज़मैन कॉन्स्टेंट, पढ़ा होगा आप लोगों ने, बट कब आप बोलेंगे के, कब बोलेंगे आप के बार, ये समझना जरूरी है। जैसे मैं बोल रहा हूँ के बार, तो इसकी वैल्यू होती है 1.381 × 10⁻²⁻², ये इसकी वैल्यू होती है। इसकी यूनिट जो है वो आपको बताएगी कि आप क्या, आप लिखना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। इसकी यूनिट होती है जूल पर केल्विन, वहीं अगर आप लिखना चाहें क्या के, तो के जो होता है उसमें आप क्या करिए 1.381 × 10⁻⁷, अभी मैं आपको थोड़ा सा इसको डिस्टिंग्विश करके बताता हूँ कि है क्या डिफरेंस क्या है। अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूँ किससे, चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्स, और सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे मिल जाएगा 8.62 × 10⁻⁵, ऐसे होगा आप लोगों पास चेक कर लीजिए। ये यूनिट आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। तो बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट की दो वैल्यू, अगर आप लिखना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ जूल पर केल्विन आप लिखेंगे 1.381 × 10⁻²⁰, तो आप लिखना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन आप लिखेंगे 8.62 × 10⁻⁵, करेक्ट है, याद रहेगा सभी को। तो डिपेंड करेगा यूनिट पे कि आपको कौन सा पैरामीटर की कौन सी वैल्यू लेनी है मैथमेटिकली,
याद रखिएगा सभी लोग उसको, कि आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर इन केल्विन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आप ये मान लीजिए पैरामीटर है, ऐसा मान लीजिए। क्यों आपको पता ही होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रति वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस 19 कूलम। ओके चलिए जल्दी नोट करिए क्विकली सभी लोग। डन नोटेड, आगे बढ़े। अच्छा अभी यहाँ पे एक पॉइंट आता है, क्वेश्चन था अभी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, उस क्वेश्चन को भी जो एग्जाम में आया आपके पास। देखिए अगर आप ये सारी वैल्यू जो दे रखी है आपको यहाँ पर ए बार के टी क्यू सॉरी जो वैल्यू दे रखी है आपको, इन सभी वैल्यू को अगर आप क्या करें सब्सिट्यूट कर दें इक्वेशन नंबर वन में, इसको मैं इक्वेशन नंबर वन मान लूँ, तो बाय प्लगिंग ऑल दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर वन देन यू विल गेट न्यू फॉर्मूला विच डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली, टी अपॉन 11,600 volts। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्यों मैंने कहा था स्टार्टिंग में इसको वोल्ट इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज जो आपका है वो टेम्परेचर के इक्विवेलेंट हो गया, दैट्स व्हाई। आगे समझ में सभी को एक बार जल्दी से कंफर्म करो ऑल ऑफ यू, क्यों हमने इसको कहा था वोल्ट इक्विवेलेंट टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पर वी टी, देखो ध्यान रखिएगा वी टी आपके पास वोल्टेज है, ये मत सोचिएगा कि वी टी आप सोचो कि यहाँ पर टेम्परेचर की बात चल रही है, वोल्टेज जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वी टी इज इक्वल टू टी अपॉन 11,600, ठीक है। कॉपी करिए फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आप लोग अगर मैसेज करेंगे बात करेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा आप लोग क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सब्जेक्ट ऑलरेडी मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है और आपको मिल जाएगा अकेडमी के चैनल पर, बट अब आपको रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा, बट अभी आप लाइव पढ़ रहे हो थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन को रखो, बातचीत करो। ओके शुभ मूर्ति जल्दी से बताओ यहां तक सभी को क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। टाइमिंग हमारी फिलहाल तो ये रहेगी 8:30,
फिर आगे देखेंगे हम लोग, टाइमिंग में अगर कोई चेंजेस आएगा तो देखेंगे, डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट डेटा है, अगर मैं टी को ले लूँ रूम टेम्परेचर, है ना, टी को अगर हम ले लें रूम टेम्परेचर 300 केल्विन, यही डेटा है जो आपको हर बार लिखते हैं आप लोग, थर्मल वोल्टेज इज 26 मिली वोल्ट, ये वही डेटा है। लिख लें, क्या लिखते हैं, लेट मी राइट हियर। एट रूम टेम्परेचर, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फाइंड करना है तो ये याद रखो आप टी अपॉन 11,600। ठीक है, अगर आपको रूम टेम्परेचर पे याद रखना है, मतलब टी इज इक्वल टू, विजिबल है मेरी वजह से दिख तो नहीं रहा, ऐसा नहीं, विजिबल है कि नहीं, आपको लिखना है एट टी इज इक्वल टू 300 केल्विन, तो वी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 डिवाइड बाय 11,600, तो इट कम्स नियर बाय 0.0256 वोल्ट, यही आपका होता है 26 वोल्ट मिली वोल्ट। मैं लिखता हूँ, तो वी टी इज एट रूम टेम्परेचर 26 मिली वोल्ट। तो जहाँ भी आप डेटा यूज़ करते हैं वहाँ पे आप हर जगह देखोगे आप एट रूम टेम्परेचर आप ये लिखते हो, कैसे आता है ये मैंने आपको यहाँ पे पिन कर दिया, क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट थर्मल वोल्टेज, आपका पहला पैरामीटर फंडामेंटल का जो आपको पता होना चाहिए। देन कुमार मूर्ति, राहुल और कल एक था स्टूडेंट को जो काफी उससे पढ़ रहा था इंटरेस्टिंग तरीके से, समझ में आ गया आपको। नोटेड, चलो ये तो हो गया आपके पास अबाउट थर्मल वोल्टेज, पहला पैरामीटर हम डिस्कस कर लिए, दैट इज थर्मल वोल्टेज। नेक्स्ट पैरामीटर की बात कर लेते हैं। अच्छा एक चीज और, कई लोगों को शायद टेम्परेचर का रिलेशन नहीं याद होगा, एक जल्दी से कहीं पे साइड से उस रिलेशन को भी लिख लो आप लोगों ना, जरूरी रहेगा आपके लिए। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, अगर टेम्परेचर नहीं दिया जाए तो क्या लेंगे आप, रूम टेम्परेचर। अगर बाई चांस आपको टेम्परेचर क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो बाई डिफॉल्ट आप क्या मान लेंगे, रूम टेम्परेचर। कितने लोग अभी तक ईडी से पढ़ चुके हैं, अभी तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं आप में से, फॉलो अप, कितने लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, यस और नो में बता दो बस। ये ले लीजिए, नोट कर लीजिए, ये आपको याद रखना चाहिए, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, यस और नो बताओ क्विक क्विक सभी लोग। ओके गुड, पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा, ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे कवर कर लेते हैं। एक काम करते हैं लोग, तो यहाँ पर रूम टेम्परेचर पे डिग्री सेंटीग्रेड में और केल्विन में उसको लिख लेते हैं, देखो सभी लोग। देखो सभी लोग, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन टी इज इक्वल टू 0 केल्विन, व्हेन टेम्परेचर इज 0 केल्विन देन टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, इज 0 माइनस 273, इट कम्स -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अगर हम लेते हैं एट टी इज इक्वल टू
300 केल्विन, राइट। देन टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड इज व्हाट, इट इज 300 माइनस 273। तो रूम टेम्परेचर पे अगर आप बात करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में 300 और रूम टेम्परेचर में आपके पास 27। अच्छा देखो एक चीज और, यहाँ पे ये जो आप लिखे हो ना यहाँ पे, लाइक आप चाहे तो इसको लिखे हैं यहाँ पे, चाहे आप इसको लिख रहे हैं, ये तो रूम टेम्परेचर हो गया, सही ना। इसको क्या बोलोगे, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्वेश्चन में लिखा होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, समझ जाएगा केल्विन में है 0 और डिग्री सेंटीग्रेड में क्या है -273, करेक्ट है। लिख लो जल्दी, लिख लो सभी लोग क्विकली फास्ट, टेस्ट कोर्स है, थोड़ा सा हम लोग फास्ट पढ़ेंगे, जब हमें लगेगा कि हाँ यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं देना उसको जल्दी स्किप करेंगे। प्लीज शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड, विद योर जूनियर्स, और जो भी तैयारी कर रहे हैं आपके नोट में आप सेशन को शेयर कर सकते हैं। ओके, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ मॉडल, एक हमारा है बॉन्ड मॉडल, एक हमारा है बैंड मॉडल, ठीक है। तो जब भी मुझे मटेरियल को डिस्क्राइब करना होगा मैं क्या करूँगा, उन्हीं दो मॉडल में आपको हर बार दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बॉन्ड मॉडल, बैंड मॉडल के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, कल हमने बात की क्लास में, बैंड मॉडल होता क्या क्या हमारे पास, वी हैव कंडक्शन बैंड, वी हैव बैलेंस बैंड, लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड इज ई सी, राइट, हाइएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ बैलेंस बैंड इज ई वी, द गैप बिटवीन ई सी एंड ई वी इज ई जी, दैट इज योर बैंड गैप, ये हमने डिस्कस किया था कल बैंड मॉडल। आज हम बात करते हैं अबाउट बॉन्ड मॉडल। बॉन्ड मॉडल में हम लोग क्या बात करेंगे, बॉन्ड मॉडल में हम लोग बात करेंगे फाइनली जब उसको मॉडिफाई करेंगे, हर बार हम लोग जो 3D स्ट्रक्चर है वो तो बना नहीं पाएंगे ना, तो 2D स्ट्रक्चर में उसको हम लोग मॉडिफाई करके उसी को हर बार रिपीट करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंड बॉन्ड मॉडल। जब किसी को अगर बैंड मॉडल पढ़ना है बहुत डिटेल में, तो मैंने कल आपको बताया था मिलमिन हल्केस की बुक है, वहाँ जाइए, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है बैंड मॉडल, कैसे आपके पास ये कंडक्शन बैंड आ रहा है, बैलेंस बैंड आ रहा है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, उसको जाके आप पढ़ सकते हैं, बट अभी फिलहाल कोई रिक्वायरमेंट आपकी ऐसी है। जो अभी कमिंग फेब में किट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए कह रहा हूँ, तो क्या करें, फॉर एग्जांपल हम क्या ले लें, सिलिकॉन ले लें, क्या होता है इसका एटॉमिक नंबर 14, इसका एटॉमिक नंबर है 14। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हुआ, 14 एटॉमिक नंबर का मतलब हुआ कि आपके पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस में वो 14 होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस आर 14, और इसको अगर आप न्यूट्रलाइज करना चाहें तो आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, वो भी 14 होने चाहिए, राइट है, पॉइंट क्लियर है सभी को, केमिस्ट्री सबने पढ़ी होगी। तो क्या बोलेंगे आप, एटॉमिक नंबर 14 है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं आपके न्यूक्लियस में 14 है, और उसको न्यूट्रल रखने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी कैसे हैं 14। चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट याद है आप लोगों को, एस एस पी एस पी एच डी पी टाइप का ऑर्बिटल्स की फॉर्म लिखते थे ना, एस पी डी एफ, हमें पता चल गया हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 14। तो चलिए उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट तो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, पहले वाले में क्या आएगा आपके पास 1s2, दूसरे में क्या आएगा आपके पास 2s2 एंड 2p6, थर्ड में क्या आएगा हमारे पास 3s2। बस ये नॉलेज के लिए इतना, मतलब मत पूछिए, ये सब नहीं पूछा जाएगा आपसे, आपको पता होना चाहिए कि आया कैसे, जस्ट फॉर नॉलेज, ओके। तो पहले वाले में देखें, अगर आप n इज इक्वल टू 1 में, तो वी हैव टू अवेलेबल स्टेट्स, वो दोनों ही अवेलेबल, s के पास दो अवेलेबल स्टेट होंगी
वो दोनों ही अवेलेबल स्टेट जो है दो इलेक्ट्रॉन ने आके फिल कर दी, कंप्लीट फिल हो गया। सेकंड में चलते हैं, सेकंड में क्या देखा हमने, पी के पास होती हैं 6, एस के पास होती हैं 2, टोटल कितने होंगे 8। तो जो हमारे पास 8 अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स थी वो 8 इलेक्ट्रॉन्स आए और उन्होंने उसको फिल कर दिया। चलिए थर्ड में चलते हैं, थर्ड में क्या हुआ, थर्ड में हमारे पास कितनी थी, पी के पास होती हैं 6 और एस के पास होती हैं 2, टोटल 8 होती हैं। 8 में से आप देखो यहाँ कितने हैं, एस टू और पी टू, मतलब 4, 4 स्टेट्स केवल फिल्ड हैं आउट ऑफ 8 और बाकी 4 बची हुई खाली हैं। वो जो 4 आपके पास एनर्जी स्टेट्स खाली हैं वहां तो कोई इलेक्ट्रॉन आके बैठ सकता है तो यहाँ पे आप कहोगे वी हैव शेल, आप चाहो तो शेल के फॉर्म लिख लो, ये के शेल हो गया, ये एल हो गया, ये एम हो गया। इतना केमिस्ट्री हम लोग को नहीं पढ़नी, ये काम नहीं आने वाला, जस्ट मैं लिख दे रहा हूँ। और अगर आपको किसी को नहीं याद है तो मैं वो भी लिख देता हूँ, एस पी पी एफ, दीज आर ऑर्बिटल्स। ठीक है, यहाँ तक हम डिस्कस क्या कर रहे थे, हमने कहा कि हम जब कहाँ पे गए, फर्स्ट शेल में गए, पहले वाले क्या देखा हमने, ध्यान सुनिएगा इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट शेल में हम लोग गए तो हमने देखा कि वी हैव टू अवेलेबल स्टेट बिकॉज ऑफ एस एंड ऑल दोज टू स्टेट्स आर कंप्लीटली फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन, करेक्ट है। इन सेकेंड सेल क्या देखते हैं आप, पी की वजह से हमारे पास 6 है, एस की वजह से 2 है, तो टोटल 8 है एंड ऑल 8 आर फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन, करेक्ट है। यहाँ पे आप गया, आपने क्या देखा, थर्ड सेल में, थर्ड सेल में आपने देखा कि वी हैव टोटल 8 बट ओनली 4 आर फिल्ड, तो 4 अभी भी आपके पास खाली है, ठीक है, 4 यहाँ पे आपके पास अभी भी आ सकता है, ठीक है पॉइंट। चलिए काम करते हैं, इसका मॉडल बनाते हैं, मॉडलिंग करते हैं इसकी। तो लेट सपोज दिस इज योर न्यूक्लियस विद 14 प्रोटॉन्स एंड वी हैव 3 शेल, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड। इन द फर्स्ट सेल वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, इन द सेकेंड वन वी हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, ग्रीन से बना रहा हूं आप लोग देख पाए, एंड द लास्ट वन वी हैव व्हाट, हैव ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि हमारे पास ऑक्यूपेंसी, हमारे पास जगह कितनी थी, 8 थी, बट हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ लेट मी ड्रॉ हेयर सम इमेजनरी सर्कल, ये येलो से जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये मेरे पास क्या है, एक इमेजनरी सर्कल। तो इसके अंदर मेरे पास प्लस में 14 है और इलेक्ट्रॉन कितने, फर्स्ट शेल में 2 है, सेकेंड में 8 है, कितने हो गए 10, तो प्लस 14 और माइनस 10 है ना, यही हुआ, तो वी हैव प्लस 14 एंड माइनस 10, कितना है प्लस 4। अंदर आपके पास क्या किया हमने दिखाया कि प्लस 4 चार्ज बचा है, तो अब मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ, हर बार तो हम लोग इतना टिपिकल नहीं बना पाएंगे, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा ना, तो हम लोग क्या करें, वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस इन अ डिफरेंट मैनर लाइक दिस, वी हैव नाउ प्लस 14 एंड माइनस 10, कितना रह गया आपके पास रिमेनिंग प्लस 4, और इसके आउटर मोस्ट में, आउटर मोस्ट जो था आपके पास उसमें कितने थे 4। अब नेक्स्ट टाइम से जब भी हम लोग प्लॉट करेंगे, हम इसे प्लॉट करेंगे सिलिकॉन जर्मेनियम किसी को दिखाना है आपको, अब ये प्लॉट करेंगे, एक्चुअल प्लॉट क्या है, तो प्लॉट तो ये, ठीक है, बट ये क्या है हमारा मॉडिफाइड, दिस इज योर मॉडिफाइड मॉडल इसका सिलिकॉन का, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है आपका आउटर मोस्ट पार्ट,
को विजिबल है, दिख रहा है सभी को, और डिफरेंट डिफरेंट कलर के पेन है। ये हमारा क्या है, आउटर मोस्ट शेल। कॉपी करिए, ये कंप्लीट नहीं हुआ प्रोसेस को, और काम करेंगे इस पर। तो बॉन्ड मॉडल एक्चुअल में जो आपको बनाते हैं, आपने जो अपने कॉलेज में बनाया होगा या आपने अभी पढ़ा होगा, वो कैसे आया उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो प्रैक्टिकली हमारे पास जो सिलिकॉन होता है किस फॉर्म में होता है, वो फॉर्म में होता है क्रिस्टल फॉर्म में होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली अगर आप देखो कभी भी सिलिकॉन आपको मिलेगा किस फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म। ठीक है, और इस क्रिस्टल फॉर्म में जो एटम्स होते हैं आपके, वो अरेंज होते हैं बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर में। ठीक है, रिपीट करते हैं, है ना, अपने आप को। जैसे कि आप मान लीजिए कहीं पे आपका घर बन रहा है, मकान बन रहा है, तो वहाँ पे वॉल है, तो दीवार बनाने के लिए आपके पास, वॉल बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, ब्रिक चाहिए। ऐसे आप ब्रिक को एक पैटर्न में लगाओगे सिस्टमेटिक तरीके से, तब जाके आपकी वॉल तैयार होगी। ठीक ऐसे ही आपके पास क्या है, सिलिकॉन क्रिस्टल के लिए भी है। अगर आप सिलिकॉन क्रिस्टल के बारे में बात करेंगे, जैसे कि बताया मैंने आपको कि सिलिकॉन जो होता है वो जनरली क्रिस्टल फॉर्म में होता है, तो वो अगर क्रिस्टल फॉर्म में है तो उसमें आपके पास बहुत ही सिस्टमेटिक वे में रिपीट करते हुए एटम्स जो हैं अरेंज होते हैं। तो हर एक रिपीटेशन को आप क्या बोल सकते हैं, यूनिट सेल। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, यूनिट सेल। हो गया, ये कॉपी हो गया, आगे बढ़े। तो लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, प्रैक्टिकली सिलिकॉन इज यूज्ड इन क्रिस्टल फॉर्म। जब भी हम कभी बोलेंगे क्रिस्टल फॉर्म, तो आप हमेशा क्या बोलेंगे कि एटम्स जो हैं वो अरेंज हैं बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर में, और यूजली दे आर रिपीटिव, वो अपने आप को रिपीट कर। और ये जो रिपीटेशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। अच्छा ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन का जो यूनिट सेल का स्ट्रक्चर है और जो आपके पास डायमंड का यूनिट सेल का स्ट्रक्चर है, वो दोनों सिमिलर है ऑलमोस्ट। कोई पूछ ले आपसे इंटरव्यू में, तो स्ट्रक्चर दोनों के सेम है। चलिए मैं स्ट्रक्चर बना दूं, कैसा होता है स्ट्रक्चर, लेट मी ट्राई हियर। इसका जो स्ट्रक्चर है, जो डायमंड का स्ट्रक्चर है, दोनों ही मैंने बताया आपको ऑलमोस्ट सेम है। इसमें क्या होता है कि सेंटर में आपके पास एक सिलिकॉन होगा और इसके चारों तरफ चार कॉर्नर्स में अदर सिलिकॉन होंगे, जो आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। करेक्ट है, देखो यहाँ ये रहा हमारे पास एक सेंटर में सिलिकॉन एटम। ठीक है, एक सिलिकॉन एटम है हमारे पास यहाँ पे, एक सिलिकॉन एटम हमारे पास यहाँ पर है, एक सिलिकॉन एटम आपके पास यहाँ पर है, और एक सिलिकॉन एटम आपके पास यहाँ पर है। सभी के पास फोर आउटर मोस्ट सेल में, सभी के पास फोर वैकेंसी खाली है, वैकेंट स्पेस है। वो क्या करेंगे, आपके जो नियर बाय एटम्स हैं सिलिकॉन के, उनके साथ में बॉन्ड बना लेंगे, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे, फोर की जगह एट हो जाएंगे, है ना, ये हो गया आपके पास। करेक्ट है, ध्यान रखिए ये सारे हमारे क्या है, सिलिकॉन एटम। तो एक सेंटर में और चार आपके पास जैसे कॉर्नर में, वापस बनाएंगे बॉन्डिंग, क्या बन जाएगा आपके पास, सिलिकॉन का क्रिस्टल। तो ये जो बॉन्ड है, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल बॉन्ड। बस स्टार्टिंग की क्लास जो होती है वो इंट्रोडक्शन के लिए है, ताकि थोड़ा सा आपको एक आइडिया लगे हम कर क्या रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं, कहाँ से बना रहे हैं, बैंड मॉडल, बॉन्ड मॉडल अचानक से कहाँ से आ गया। फिर आपके लिए जो भी आपका मेन पार्ट है वो आपका स्मूथली चल पाएगा। तो ये तो हो गया 3D व्यू, हर बार तो हम ये बनाएंगे नहीं, क्योंकि हर बार हम ये बनाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए हमने क्या किया, 2D व्यू की हमने यहाँ पे हेल्प ली। आइए देखते हैं 2D व्यू रिप्रेजेंटेशन कैसा है, वही आपका मेन पार्ट है जो आप, बट एक्चुअल क्या है, एक्चुअल ये जो मैंने बनाया आपके पास 2D रिप्रेजेंटेशन, ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होगा आपके लिए हर बार बनाना। तो देखिए आप कैसे बनाएंगे, कभी भी आपसे सिलिकॉन के लिए या जर्मेनियम के लिए वो पूछेगा कि बताइए आपके पास बॉन्ड मॉडल क्या है, तो आप ऐसे
आप सिलिकन की जगह चाहें तो प्लस फोर लिख के भी बना सकते हैं, वो भी आपके ओके, कोई दिक्कत नहीं। हर किसी सिलिकन के आउटर मोस्ट सेल में क्या सीखा हमने अभी, फोर इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट सेल में क्या सीखा अभी हम लोगों ने, फोर इलेक्ट्रॉन्स। सभी सिलिकन के आइटम के आउटर मोस्ट सेल में फोर इलेक्ट्रॉन, जो भी आपके पास आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से दूर होंगे। अगर वो न्यूक्लियस से दूर हैं मतलब आप उनको इजीली क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। जो जितना न्यूक्लियस के क्लोज होगा उतना ही फोर्स उस पर ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा और उसको आप न्यूक्लियस से डिटैच करना आपके लिए टफ होगा। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने नेबरिंग इलेक्ट्रॉन के साथ में बॉन्ड बना लेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है अपने नेबरिंग इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और ये इसके साथ बॉन्ड, सो दैट ऑक्टेट कंप्लीट हो पाए। ये अपने नेबर के साथ में, ये अपने नेबर के साथ में, ये अपने नेबरिंग आइटम के साथ में, और ऑल्सो इसी तरीके से ये सारे अब सिलिकन आइटम अपने अपने नेबरिंग आइटम के साथ में बॉन्ड बनाएंगे। इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, आपस में शेयरिंग कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप डिस्कस करेंगे हम लोग ये बताएंगे, ताकि वो 3D भी, ये 2D रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या है, पूरे पूरे सब्जेक्ट का मेन मॉडल है तो हम लोग को बात करनी है। ध्यान रखिएगा दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग। हेलो रोयल, रोयल जी हाय। ध्यान रखिए ये वीक बॉन्ड नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, करेक्ट। तो मैं सभी को एंजॉय कर पाया सब्जेक्ट को, तो कभी भी नेक्स्ट टाइम से जब भी हम लोग बैंड मॉडल, बॉन्ड मॉडल जब भी बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम से हमेशा इसको फॉलो करेंगे। बैंड मॉडल के लिए क्या फॉलो करेंगे, फॉर बैंड मॉडल ये वाला, ठीक है, एंड फॉर बॉन्ड मॉडल ऑलवेज, करेक्ट है। थोड़ा सा अगर आप लोग डिस्कस करोगे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा टॉपिक। यस रॉयल, पूछिए कोई डाउट रिगार्डिंग सब्जेक्ट, कहीं पे कोई आपको दिक्कत आ रही है या पहली बार पढ़ रहे हैं कुछ भी, एनीथिंग। तो 3D व्यू नहीं बनाना है हर बार हमको, हमको बनाना क्या, हमको बनाना है 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर सिलिकॉन जर्मेनियम जो भी सेमीकंडक्टर है उसके। कंप्लीटेड, पढ़ा जाए आगे। आई होप यहाँ तक सभी को समझ आया होगा। फिर एक पॉइंट आता है बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट, पहले मैं इसी को यहाँ पर रिलेट, मतलब यहाँ पर रिलेट कर देता हूँ, कॉपी कर लो, जो भी कॉपी कर रहे हैं, जो लोग भी कॉपी कर रहे हैं कॉपी कर लो। कॉपी करिए आप लोग, गिव मी 2 मिनट, 2 मिनट दीजिए मुझे, कॉपी करिए, गिव मी 2 मिनट है, कॉपी करिए।
हर्ष, हेलो नीलम कुमारी, हेलो एवरीवन। क्लास स्टार्ट होता है आपका 8:30 PM से ना? हर्ष, क्या डाउट है? ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया किसके बारे में, अबाउट वैन मॉडल ना। चलें आगे बढ़े। बताओ भैया स्पर्श, क्या पूछ रहे थे? हाँ पूछिए नीलम कुमारी, आपका कोई डाउट हो। बाकी लोगों ने कॉपी कर लिया सर? ये कॉपी हो गया ना, ये कॉपी हो गया सभी का? यस और नो? चलो मैं थोड़ा सा आपको ना एक हल्का सा आइडिया देता हूँ कैसे आपके पास चार्ज कैरियर कैसे मूव करते हैं, थोड़ा सा उनको समझाते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। एक काम करते हैं, इसी पेज पर ट्राई कर लेते हैं, अगले पेज पर नहीं जाते हैं। ओके ठीक है, वेरी गुड। स्पर्श, आप कुछ पूछ रहे थे? जब आप ज्वाइन करिएगा पूछ लीजिएगा। यहाँ पे ध्यान देना सब लोग, थोड़ा सा स्पेस का लाइटिंग दिखे आपको। हेलो, अभी फिलहाल मैं ये दिखाता हूँ आपको, लोएस्ट एनर्जी लेवल को हम लोग क्या बोलते थे? बैलेंसमेंट। हाईएस्ट एनर्जी लेवल को हम लोग क्या बोलते थे? कंडक्शन बैंड। और इनके बीच के गैप को हम लोग क्या बोल रहे थे? बैंड गैप। क्या बताया मैंने आपको, दो तरह के मॉडल हैं। किसी भी आप रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाएंगे हमेशा वो दो मॉडल दिखाएंगे। एक तो मॉडल ये रहा, क्या बोल रहे हैं इसको? बॉन्ड मॉडल। कौन सा मॉडल है? बॉन्ड। और एक मॉडल ये रहा, कौन सा मॉडल? बैंड मॉडल। इनिशियली आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, अपने नेबरिंग जो भी आपके पास एटम है उनके इलेक्ट्रॉन साथ में शेयरिंग कर रहे हैं। शेयरिंग करके क्या बना रहे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। देन क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पर हैं? वो बैलेंस बैंड में लाइकर, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर बैलेंस इलेक्ट्रॉन, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू द बैलेंस इलेक्ट्रॉन कभी भी आपके पास कंडक्टिविटी नहीं होती, बिकॉज दे आर बाउंडेड विद नेबरिंग एटम कोवेलेंट बॉन्ड के साथ में, वो बाउंडेड हैं, वो फ्री मूव नहीं कर सकते। पूरे क्रिस्टल में अगर आप कहो वो मूव करें नहीं कर पाएंगे। और हमें अगर कंडक्टिविटी चाहिए तो हम चाहेंगे कि हमारे क्रिस्टल में, हम क्या चाहेंगे, हमारे क्रिस्टल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली मूव कर पाए, तभी तो पॉसिबल है कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ पहुँचेगा तभी कंडक्टिविटी पॉसिबल है। ठीक है पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि बैलेंस बैंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वजह से कंडक्टिविटी नहीं होती। कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है? जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स, दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको बताना चाहिए, दीज आर बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू दीज इलेक्ट्रॉन्स इज नो कंडक्टिविटी बिकॉज दे आर इन कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्या किया जाए? हम ट्राई करेंगे इसको एक्साइट करने की। कैसे करते हैं एक्साइट? आप इसको किस तरह से, थर्मल एक्साइट कर दीजिए, लाइट के थ्रू एक्साइट कर दीजिए, जो भी आप, जैसे बहुत सारे प्रोसेस हैं एक्साइटिंग के। तो जैसे आप एक्साइटिंग करेंगे तो होगा क्या, आपका जो बॉन्ड है ना ये ब्रेक होगा। ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो यहाँ पे जो रखा हुआ इलेक्ट्रॉन है जो कोवेलेंट बॉन्ड में था वो यहाँ से बाहर निकल जाए, वो यहाँ कहीं आ जाए। इसका जो प्लेस है जहाँ पे ये था वो प्लेस कैसा हो गया? वेकेंट हो गया, खाली हो गया। तो उस प्लेस पे क्या आएगा? उस प्लेस पे आपके पास एक वैकेंसी आ जाएगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं?
जैसे आप चेयर पे बैठे हैं, तो अभी आप चेयर पे बैठे हैं तो ये आपने प्लेस ऑक्यूपाई कर रखा है। जैसे आप यहाँ से उठ के बाहर जाएंगे, ठीक है, तो आप बन जाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, तो आपका जो चेयर की वैकेंसी है ये क्या बन जाएगी, होल। ठीक है, सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी कहीं से उसको मिलेगी, मान लीजिए थर्मल एक्साइटेशन मिल गया उसको, टेम्परेचर आपने बढ़ाया, थर्मली वो एक्साइट हो गया, वो जंप करके यहाँ आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, फ्री हो जाएगा। फ्री होने का मतलब कंडक्शन बैंड में आ गया, और उसकी प्लेस पे जहाँ पे वो था वहाँ पे आ गई एक वैकेंसी, खाली प्लेस है ना, वो हो गया हमारा होल। ध्यान रहेगा सभी को, तो दिस इज योर होल एंड दिस इज योर फ्री इलेक्ट्रॉन। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया, बाकी डिटेल में जानने के लिए बहुत कुछ है इसमें, तो मैं चाहिए अभी फिलहाल बस इतना समझ लीजिए। क्लियर सभी को? तो इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, बॉन्ड जो हैं वो आपके टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन बनते रहते हैं, फिर आपके होल्स बनते रहते हैं, सिमिलरली आपके कोवलेंट बॉन्ड दोबारा फॉर्म हो जाते हैं, फिर से आपके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो ये प्रोसेस आपका चलता रहता है। फिर आप बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम का फेज आता है, ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हैं, आपको देखा जाएगा। तो ये मेन आपको समझना है कि जब तक आपके पास इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड में है, इसका मतलब वो बैलेंस बैंड में है, बैलेंस बैंड में है इसका मतलब उसकी वजह से कोई भी कंडक्टिविटी नहीं होगी। कंडक्टिविटी सिर्फ तभी होगी जब इलेक्ट्रॉन आपका कंडक्शन बैंड में होगा। कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन पहुंचता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो आपके क्रिस्टल में मूव कर सकता है। डन, आई होप सभी समझ में आया होगा। एक बार रिस्पॉन्स करिए अपना, बताइए क्लियर है सभी को? ओके शिव कुमार, तो आज हमने सीखा बैंड मॉडल क्या होते हैं, बॉन्ड मॉडल क्या होते हैं, ये सारी बातें हमने आज सीखी। कल हम लोग इसी का कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए तक काफ़ी है। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़ना क्या है बेसिकली बताते हैं आपको। कल हम लोग पढ़ेंगे कि आपके पास इंट्रेंसिक से जब एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो जो इम्प्योरिटी आप उससे मिक्स करते हैं वो किस किस टाइप की होती है, कैसे इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं, और कैसे उसका प्रिंसिपल क्या है कि कैसे आपके पास वो आपका इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन में जाएगा या डोनर एनर्जी लेवल में जाएगा या फिर एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में जाएगा, ये सारी बातें कल सीखें। ठीक है, तो आज के तक काफ़ी है, सेशन को एंड करते हैं, किसी को कुछ पूछना है पूछ सकता है, सेशन को क्लोज किया जाए। बाकी लोग सेशन को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो शेयर ज़्यादा करें, तो एंड किया जाए फिर ऑल ऑफ यू। ओके शिव कुमार, ठीक है चलिए, बाकी किसी को डाउट हो पूछना चाहे पूछ सकता है। अभी हम लोग तब तक आपको रिसेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, डाउट शेयर कर सकते हैं। देखिए स्पर्श कुछ पूछने वाला था, तो फिलहाल अभी हमारे पास रनिंग ऑफर क्या है, आप सेव कर सकते हैं अप टू 50% ऑन योर डबल ई ईसी सब्सक्रिप्शन, साथ ही साथ आपको मिल रहा है यहाँ पर 4 मंथ्स फ्री एक्सटेंशन। नया बैच आपका जो है ब्रह्मास्त्र, जो कि प्लस और मिशन बैच भी आपके पास एक और है, वो भी आपका स्टार्ट हो रहा है 13 अक्टूबर से, तो आप चाहो तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप सेव कर सकते हैं अप टू 50%, तो यू कैन यूज़ माई कोड MANC10, बाई यूजिंग दिस कोड आपको ये ऑफर मिल जाएगा, करेक्ट है। और भी बहुत से रनिंग ऑफर चल रहे हैं, जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ, इन्फॉर्म कर देता हूँ क्या क्या रनिंग ऑफर है। और अभी आपके पास रनिंग ऑफर क्या है, अभी आपके पास रनिंग ऑफर चल रहा है ब्रह्मास्त्र जो है आपका अक्टूबर 13 से बैच स्टार्ट हो रहा है ईसी के लिए, और मिशन में भी आपका अक्टूबर 13 से बैच स्टार्ट हो रहा है ईसी के लिए, जनरल एप्टीट्यूड एट 9:30 PM। ब्रह्मास्त्र प्लस में आपके पास अक्टूबर 13 से इलेक्ट्रिकल का भी और मिशन का भी बैच इलेक्ट्रिकल का स्टार्ट हो रहा है 9:30 PM जनरल एप्टीट्यूड। तो फॉर दीज बैचेज यू कैन यूज एनी एजुकेटर कोड लाइक माई कोड इज एम, यू कैन शेयर दिस कोड एंड यू कैन ऑल्सो यूज इसको। ओके, कई बच्चे जो डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से गेट 2024 देने जा रहे हैं,
उनके लिए ऑफर अभी नया है जो है वो है ₹9,999। क्या डिटेल्स हैं उसकी, सारी चीज़ यहाँ पे मैंशन, यू कैन सी। बैच आपका जो सेकंड पहला बैच स्टार्ट हो चुका है आपको ऑलरेडी 7th ऑफ सेप्टेम्बर से, दूसरा बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 15th ऑफ सेप्टेम्बर। कोर्सेज आपके पास लाइव भी रहेंगे, रिकॉर्डेड भी रहेंगे, लॉट ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे, बहुत सारे आपके पास स्ट्रेटजी हैं, टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मल्टीपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप चाहो तो जो भी डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फोकस कर रहे हैं वो GATE 2024 के लिए वो यहाँ पर यूज। ओके, आदित्य सर की क्लास अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो ये स्कैन करिए QR कोड, आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। ये थी आपके पास एक नया ऑफर था, 15 मिनट 15 क्वेश्चन एंड स्कॉलरशिप फॉर टॉप रैंक 1 is 50%। ये भी नया ऑफर है आपके पास, एंड डिफरेंट डिफरेंट परसेंटाइल पे हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबल है। इसरो के लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जो स्टूडेंट अभी सेशन को देख रहे हैं, कोई भी आपको क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट आप पूछ सकते। लिस्ट ऑफ बुक्स फॉर GATEEE एंड फॉर ECE फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपके पास होम डिलीवर जाती हैं बुक्स विद इन 15 डेज अगर आप लेते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। प्लस में आपको मिलता है रेज हैंड का ऑप्शन, क्लास हैंड आउट, इन क्लास पोल, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, एडुकेटर कम्युनिटी, स्टडी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है इन PDF फॉर्मेट, लॉट ऑफ थिंग्स आर हियर, सो यू कैन गो विद प्लस। और ये एक्स्ट्रा फीचर्स जो हैं इनके साथ आप जा सकते हैं आइकॉनिक, ठीक है। GATE 2023 ब्रांच वाइज रैंकर्स जो हैं, जो लास्ट ईयर हमारे रैंक थे वो ये रैंक्स हैं। ट्राई करिए, मेहनत करिए, आप भी यहाँ पे हो। क्लास स्टार्ट होता है 8:30 PM, ठीक है, 8:30 PM। कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग योर गेट और ESC या PSC आप इस नंबर पे कॉल करेंगे, आपको कॉल बैक आएगा, जो भी आपकी क्वेरी है उसको शॉर्ट आउट करें। नो कॉस्ट EMI ऑप्शन विद 0% इंटरेस्ट एट ₹359 पर मंथ, ये भी अवेलेबल है, तो ज़्यादा डिटेल के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो डेली हम लोग मिलते हैं विद, अभी जो हमने स्टार्ट किया दैट इज EDC, अगर एक बार हम उसको फिनिश करेंगे और इसका टाइमिंग आपके पास है 8:30 PM, तो यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड, जो भी पढ़ना चाह रहे हैं EDC उनको बता सकते हैं आप कि 8:30 बजे हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, आप आइए। और किसी को डाउट हो, कुछ पूछना है पूछिए, सेशन क्लोज किया जाए। जल्दी पूछिए, किसी को डाउट हो तो। एनीवन, कितने टाइम में हो जाएगा, अरे बताया मैं आपको 40 आवर्स ओनली, क्रैश कोर्स है ना, तो एज अ क्रैश कोर्स लीजिए आप इसको इन 40 आवर्स, है ना, 40 आवर्स मतलब होपफुली इन दिस मंथ अक्टूबर, और ज़्यादा होगा तो फर्स्ट वीक ऑफ सेट, ठीक है। और कोई किसी डाउट कुछ एनीवन, नीलम कुमारी आपका गुड आउट, चलिए फिर क्लोज किया है सेशन को, आज के लिए तक काफी है। अंकित क्या डेट, डेट क्या, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर ये डेट है, स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में हम लोग प्लान करेंगे, फिनिश कर लेंगे, ठीक है। और आप लोग सपोर्ट करेंगे, मतलब आप लोग रेगुलरली पढ़ते रहेंगे तो फर्स्ट वीक में खत्म कर लेंगे। ठीक है, और कुछ अंकित एनीवन,
ओके चलो फिर एंड करते हैं सेशन को। मॉस कैपेसिटर एंड में होता है ना, मॉस कैपेसिटर तो एंड में होगा ना, लास्ट में होगा मॉस क्या? अंजलि कुमार, मॉस कैपेसिटर जो होगा वो आपका एंड में होगा, ठीक है। अच्छा मैंने बताया था कल, तो मैंने शेयर तो किया था ना सभी को। कल बताया ना आई थिंक, हाँ लास्ट में होगा ना। ये देखो ये वाला जो दो पार्ट थे ना आपके ऑप्टोल्टॉनिक्स एंड आईसी फैब्रिकेशन, गेट में आईसी फैब्रिकेशन तो अब है नहीं आपके पास, जो मॉस कैप है उसको हम लास्ट एंड में करेंगे ना। पहले पहले हम पढ़ेंगे फंडामेंटल जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, पहले इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, देन ट्रांसपोर्ट फिनोमेना, देन पी इंजेक्शन डायोड, उनके सर्किट क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसमें आपके पास वोल्टेज इलेक्ट्रो सर्किट भी पढ़ लेंगे हम लोग, है ना। फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक, बीजेटी, जीएफईटी, मॉसफेट की, लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अंजलि कुमार चलो एंड किया जाए फिर, तो काफ़ी जब तक काफ़ी है। थैंक यू भैया। और किसी को डाउट एनीवन? मुझे लग रहा है आप लोग ये बैठ के मतलब आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं आपको कुछ क्या बताऊंगा। आप लोग पूछिए, आपके जो डाउट्स हैं आप लोग पूछिए ना, मतलब सेशन को एंड करेंगे ना। आप लोग बहुत तो स्लो रिस्पॉन्स। मॉस्कप तो मैंने कल ही बता दिया था अंजलि, ओके ठीक है ना। आई थिंक किसी को डाउट नहीं, सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन। कल हम लोग पढ़ेंगे आगे फर्दर इंट्रेंसिक और एक्सटेंसिव सेमी। थैंक यू गाइज।